तो आप देख सकते हैं बाइक बहुत आगे से लाइट वेट हो चुकी है। अब मैं जब कॉर्नर में जाऊंगा तो मेरा पूरा पैर यहाँ जाएगा। फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल नया रास्ता है। सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे राइडिंग बूट्स के साथ, और आप देख सकते हैं भाई, आपको ऐसा लगेगा शायद आप ही बाइक चला रहे हो। अब एक्सपीरियंस कर पाओगे भाई ये जो सामने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, एकदम से जो मैं कटिंग कर रहा हूँ जो एकदम से पेड़ आ रहे हैं भाई, यहाँ पे भाई हो रहा है, आप देख ही सकते हैं क्या कटिंग चल रही है भाई पेड़ों के बीच में से, एक के बाद एक के बाद एक। गाइस बहुत ही भयंकर ट्रेल है ये, पूरा मुंह सूख गया, हाथ पंप हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा रुके थे हम। और ये भयंकर पता नहीं कहाँ जा रही है। हेलो, यहाँ तो हेलो बोलने के लिए भैंसे ही हैं भाई। सो हेलो गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक। मेरा नाम है देवांश, आप देख रहे हैं बखंडी ब्लॉग चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक और ऑफ रोडिंग के लिए, और आज मैं पहन के जा रहा हूँ अपने एल्पाइन स्टार बूट्स फर्स्ट टाइम। तो इनका एक्सपीरियंस भी आज हम देखने वाले हैं भाई, क्योंकि अभी तक मैंने जो दो चार छोटी मोटी राइड्स करी हैं उसमें इनको चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने गियर लीवर थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करवाए हैं, थोड़ा सा भी और करवाना पड़ेगा। तो गाइस निकलते बिना राइड पर, देखते हैं आज क्या एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इन जूतों को पहन के, इन बूट्स को पहन के ट्रेल पर चलाने के लिए। तो निकलते हैं गाइस। मेरा उससे नहा रहा है आज हीरो, क्या हुआ, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, जब थोड़ी गर्मी आएंगी तो कम हो जाएंगे अपने आप ही। बहुत ही नहा रहा है आज सुबह सुबह। ठीक है, बढ़िया। सो गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसके हैंड गार्ड निकाल दिए थे, और उससे थोड़ा सा इसका लुक आ रहा है, अलग सा ही आ रहा है। और इसके अलावा ये हैंडल बार भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अबे यार, हैंडल बार चेंज हो गया है गाइस, ठीक है। यहाँ के मैंने जो लेग गार्ड थे क्रैश प्रोटेक्टर, वो हटा दिए, तो आप देख सकते हैं बाइक आगे से हल्की हो गई। और एक चीज़ और, आगे का जो मडगार्ड होता है ना, उसके पीछे एक हगर होता है छोटा सा, वो भी हटाया है, तो हमने वेट रिडक्शन कराया बाइक में। तो आप देख सकते हैं बाइक बहुत आगे से लाइट वेट हो चुकी है। अब मैं जब कॉर्नर में जाऊंगा तो मेरा पूरा पैर यहाँ जाएगा, मतलब जो प्रॉपर पोस्चर होता है ना लीन का, कॉर्नरिंग का ऑफ रोडिंग बाइक पर, वो वाला मिलेगा। और गियर लीवर को थोड़ा चेंज कराया है, ऊपर करवाया है, क्योंकि मेरा जूता उसके अंदर घुस ही नहीं रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी हुई हैं, आज इसकी टेस्टिंग होगी बढ़िया करके, और राइड हम करने वाले हैं। फिलहाल हम दो ही लौंडे हैं, बाकी दो शायद अभी थोड़ी देर में मैं ज्वाइन करने वाले हैं। एक तो ये बैंक है, आपने ठीक करा दी गियर में स्टार्ट वाली। हाँ, क्या हुआ था, इसके अंदर एक बटन होता है। हाँ, वो दब रखा था मेरा, मेरा भी दब रखा था। सो कुछ वीलीज मारने के बाद मैं और सार्थक निकल गए हैं भाई स्ट्रेट रोड पर बहाने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है इसको हम कहते हैं ऑफ रोडिंग का हाईवे। तो अगर हाईवे पे आए और अगर स्ट्रेट रोड पर ना बहाएं भाई पुल के, तो क्या ही फ़ायदा हाईवे पे आने का। तो फिलहाल सार्थक के पास मेरा दूसरा कैमरा और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे बना हुआ है भाई, और फुल पावर में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई स्ट्रेट रोड पर। आप इस चीज़ को एज अ वार्म अप ले सकते हो कि जो भाई हम प्रॉपर जंगल के अंदर राइड करने वाले हैं, उससे पहले एक वार्म अप कर रहे हैं। मोर मोर मोर, सो गाइस ये रास्ता इतना लंबा है कि भाई यहाँ कभी भी मन नहीं भरता, और आज हम जिस जगह जा रहे हैं ना वो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि इस जगह हम पहले तो आए गए हैं, बट जंगल के अंदर हम जिस रास्ते से नहीं घुसे, जिस रास्ते से हम आज घुसने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है और कुछ नया एक्सपीरियंस आज लेके आने वाला है ये वाला गाँव। फिलहाल यहाँ पे एक स्लैब आने वाला है भाई, जिसके ऊपर से हम बाइक उड़ाते हुए लेके जाते हैं। आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, है वो स्लैब, तो भाई यहाँ पे पूरी बाइक को छालते हुए लेके जाते हैं, और यहाँ पे एकदम से कट आ जाता है, मोड़ आ जाता है भाई। भाई मैं तो नाली में घुसता, और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है।
इधर चल रहे इधर आ जा। सो गाइस ये है वो रास्ता जो आज हम फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल नया रास्ता है, जंगल की दूसरी तरफ से हम अंदर घुस रहे हैं और फिलहाल मैं आगे ही चल रहा हूँ और पीछे पीछे बना हुआ सार्थक मेरे और मेरी पीछे की टेल लाइट आप देख सकते हैं एक जो है जल नहीं रही है, पता नहीं क्यों, सिर्फ एक सिंगल ही जल रही है बट उसके बावजूद भाई इतनी सुंदर लग रही है। सो गाइस आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे राइडिंग बूट्स के साथ और आप देख सकते हैं भाई अलग लेवल का फन आ रहा है यहाँ पे भाई, इतनी स्पीड में कटिंग करनी पड़ रही है। इन बूट्स के साथ राइड करने पे गाइस एक अलग सा फील तो है, एक कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हुआ ही है बट इसके साथ अभी एक दिक्कत ये है कि मेरे को ब्रेक पेडल फील नहीं हो रहा है, तो मेरी ब्रेक कई बार बहुत तेज दब जा रही है, कई बार मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मुझसे ब्रेक दब जा रही है, तो ये एक इशू फिलहाल हो रहा है। फिलहाल जो वीडियो आप सामने देख रहे हो अगर आप इसे पूरा देखोगे लेफ्ट टू राइट तो आपको दिखेगा भाई कितना डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ और पेड़ों के बीच में से जो पगडंडी उसे पकड़ते हुए हम लोग भाई घुसते चले जा रहे हैं एक अननोन फॉरेस्ट के अंदर भाई, अलग ही लेवल का एडवेंचर भी है ये। और आप सिर्फ मेरी बाइक पर ध्यान दो, आप मेरी राइडिंग स्टाइल पर ध्यान दो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो गाइस आप देख सकते हैं इक्के दुक्के यहाँ पे गाड़ियाँ दिख जाती हैं, कभी गुज्जर होते हैं कभी गांव वाले होते हैं वो दिख जाते हैं। तो सार्थक यहाँ पे थोड़ा सा भटक गया था रूट से और थोड़ा बाहर निकल गया था और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं ताकि वो हमें कैचअप कर लें, उसके बाद आपको पीछे से व्यू भी दिखाते हैं। आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दें और एक तरीके से इंजॉय करने की कोशिश। सो गाइस आप सिर्फ अगर मुझ पे ध्यान देंगे ना तो आपको एक गेम जैसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा शायद आप ही बाइक चला रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे भाई ये जो सामने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं एकदम से, जो मैं कटिंग कर रहा हूँ जो एकदम से पेड़ आ रहे हैं भाई, हर एक चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप एयरफोन्स लगा के वीडियो को देखते तो भाई आपको फन और ज़्यादा आने वाला है, जहाँ पे मौका मिल रहा भाई वहाँ पे बम पे बीवी मार दे रहे हैं जंप करा दे रहे भाई, एक अलग लेवल का फन है भाई, किस समय क्या सामने आएगा कुछ नहीं पता। अभी आपने देखा यहाँ पे सरप्राइज जंप आ गए थे, हम अच्छी खासी स्पीड में थे तो ऐसे में भाई रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सीधा उछालते हुए निकल गए भाई, एक फ्लो में मोमेंटम बनाते हैं और अब झाड़ियों के पीछे से होते हुए भाई दोबारा से दूसरे जंगल में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है फिलहाल सामने का, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और इस जगह हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल अलग सी फील हो गई यार कि हम दो ही लोग आ रहे थे राइड पे। गाइस अब चलाते हुए बाइक हमें काफ़ी देर हो गई है, हमारे हाथ भी पंप हो गए, मुंह सूख गया, बॉडी एग्जॉस्ट होनी शुरू हो चुकी है भाई, पर जैसे हम इस जंगल में घुसे ना हमारी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई भाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना बढ़ने लगा है, टायर समझ में आ रहे हैं, ग्रिप समझ में आ रहे हैं, यहाँ की मिट्टी समझ में आ रही है, तो भाई थोड़ी सी स्पीड जो है ना यहाँ पे एंटर होती है हमारी ज़्यादा तेज़ हो गई है भाई और अलग लेवल का एडवेंचर यहाँ पे भाई हो रहा है, आप देख ही सकते हैं क्या कटिंग चल रही है भाई पेड़ों के बीच से एक के बाद एक के बाद एक, कई जगह पे गाइस एकदम से खड़े होकर निकालता हूँ मैं चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं पे आपको लगता है बैठ के नहीं निकाल पाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एकदम से खड़े हो जाओ तो भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कंट्रोलिंग बेटर हो जाती है, पर हर समय तैयार रहना पड़ता है भाई क्या सामने आएगा कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, हर चीज़ से तैयार रहना पड़ता है इस चीज़ में, और ये एक तरीके से पागलपन है और इस पागलपन में गाइस हमें मज़ा आता है, एक अलग लेवल की स्किल है। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल हम राइड को कंटिन्यू करते हैं और होने वाला एक खतरनाक सीन फिलहाल थोड़ी ही देर में, क्योंकि गुज्जर भैया यहाँ पे आ गए थे तो हमने कर ली थी अपनी स्पीड शो ताकि किसी को दिक्कत ना हो, और उसके बाद दोबारा से भाई थ्रॉटल दे दिया यहाँ पे,
और गाइस आज की राइड को मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की राइड हो चुकी क्योंकि हम जंगल के बिल्कुल बीच में घुसे हुए हैं और बीच में से होते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल हम कह सकते हैं चीज़ को क्योंकि आप देख सकते हैं हर तरीके की चीज़ हमारे सामने आ रही है, हमें निकलना है बस। भाई जगह निकल रखे हम भाई, क्रेजी था ये तो भैया। हाँ यार उसी जंगल के हम पिछले वाले पार्ट में हैं जो हम रुक जाते हैं ना जहाँ जाके उसके आगे निकल गए मेरे को लग रहा हम, क्योंकि यहाँ तो हम कभी आए नहीं। चुन यहाँ के मंदिर वंदिर भी आस पास ना, चुनिया मंदिर भी है। ये तो बड़ा गंदा टप्पा लगा दोनों को, कहीं कहीं जगह आपको अभी इसकी आदत नहीं है ना, ब्रेक ज्यादा लग रहे हैं। आप मानोगे नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे वो एफपीपी वाला ड्रोन नहीं होगा, वही था बगल बगल में सेम टप्पा खाया हमने। आपको देख के चल रहा आप जिस पेड़ से जा रहे ना, मैं पेड़ नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा। वो लाइन तूने मेरी लाइन पकड़ ली, मतलब बस उसको पकड़ के रखा। तो गाइस हम सोच रहे हैं ये जो मंदिर की यहाँ पे वो मंदिर में चुननी आगे कोई मंदिर जरूर होगा, तो हम सोच रहे हैं वहाँ तक जाते हैं। ये नया जंगल आ रखे हम बिल्कुल, आज रास्ता भी नया है बट मज़ा बहुत आ रहा है। और आज सार तो अगर मैं ही ऐसे दो ही लोग तावा तोड़ चल रहा है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर। ओ भैंस देख रही मेरे को, मैंने रेफ कर दिया ना। आ जा बाय बाय गाइस, बहुत ही भयंकर ट्रेल है ये, पूरा मुंह सूख गया, हाथ पंप हो गए थे इसलिए थोड़ा सा रुके थे हम। और ये भयंकर पता नहीं कहाँ जा रही है। हेलो, यहाँ तो हेलो बोलने के लिए भैंसे ही हैं भाई। अरे भाई ढलान आ गया तो जंगल के एक एंड पे हम निकल गए और यहाँ से शुरू हो गई है नदी जो कि सूखी हुई है और इसके अंदर हम फिलहाल घुस चुके हैं, बट यहाँ पे गाइस राइड ढंग से हो नहीं पाती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही पतली पगडंडी है और बाकी बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहा है रास्ता, कहाँ जा रहा है रास्ता? ये तो सीधे पता नहीं कहाँ जाएगा ये। तो काम करते हैं यहाँ से वापस चलते, फिर वहाँ मेरा गियर ना न्यूट्रल हो गया। चलो गाइस वापस चल रहे हैं क्योंकि ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है और ये जंगल वाला भी नहीं, अब तो हम नदी में आ चुके हैं। सो गाइस दोबारा से जंगल में एंट्री ले ली है और जो व्यूअर्स अभी तक बने हुए हैं, जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं भाई, वो ट्रू राइडर्स हैं तभी वो यहाँ तक देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ अलग सा एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलने वाला। बट अगर आप राइडिंग पसंद करते हो तो आप भाई यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप यहाँ तक अगर देख रहे हो और आप वीडियो इन्जॉय कर रहे हो। फिलहाल हम लोग घुस गए हैं वापस जंगल में और जा रहे हैं वापस, और यहाँ पर हमें मिल गए हैं कुछ गाँव वाले जिनसे हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात। भैया ये रास्ता कहाँ निकलता है सीधा, अगर ये सीधा जाए कहाँ निकलता है ये? हाँ अच्छा मंदिर है यूपी में, कितना दूर होगा यहाँ से? 10 किलोमीटर दूर है। सीधे यूपी कहाँ निकलेगा भैया, उससे आगे निकलेगा? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू भैया। हम इधर से इधर गए थे फिर वापस आ रहे हैं, आधे रास्ते नदी देख के हम वापस आ रहे हैं। नदी के पत्थर बहुत मोटे मोटे हैं तो हमने कहा वापस चलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। इस वापस हम फुल पावर के साथ पूरे जोश के साथ वापस जाने जा रहे हैं जंगल के बीच में से होते हुए, क्योंकि हमें मिलने वाला है विक्की उस छोर पे। विक्की जस्ट अब पहुंच ही गया होगा और अभी भाई शायद पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है दो राइडर्स हमें और ज्वाइन कर लें। फिलहाल हम भाई फुल पावर में यहाँ से निकल रहे हैं।
सो गाइस जिस जगह से हम वापस लौटते हैं वहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे जाके एक मंदिर था जहाँ पे हम सोच रहे थे जाएंगे, पर हम वहाँ पहुँच नहीं पाए गाइस। पर अभी तो गाइस दिन की शुरुआत हुई है, राइडिंग हमने जस्ट शुरू करी ही है और अभी हमें दो राइडर्स और ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें नहीं पता भाई आज के दिन हम क्या क्या एडवेंचर करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल भाई भयंकर तरीके की राइड हमारी चल रही है जंगल के बीच में से भाई होते हुए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ तक आते आते काफ़ी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खड़ा हो गया क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, रट्स टाइप के यहाँ बने हुए हैं। तो इसलिए गाइस मैं आप खड़े होकर चला रहा हूँ, थोड़ा सा पोस्चर भी चेंज हो जाता है और भाई इजीली निकल भी जाते हैं यहाँ से। भयंकर मजा आ गया भाई भैया, बहुत तगड़ा था ये तो, अरे भयंकर। ओ भाई भैया एक जगह तो आप देखना इसमें क्या कैप्चर हुआ। वो जिधर से पेड़ से खुदाई ना गाड़ियां, हाँ आपने खुदाई एकदम सही, मैंने खुदाई में पता नहीं कहा इसमें जो सीधे मैं सोच रहा था कि मेरे पीछे इसने खुदाई होगी कि नहीं खुदाई होगी। हाँ मैं तो आपके पीछे बस जैसे आप चल रहे हो वही 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 लगा रही थी, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा बस आपके पीछे। सो गाइस विक्की ने भी हमको कर लिया ज्वाइन और एडवेंचर हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। बस इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको मजा आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर जरूर कर लें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।